एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद नागपुर के महापौर संदीप जोशी पर फायरिंग करने वाले हमलावर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में नागपुर अपराध शाखा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। अपराध शाखा पुलिस के अनुसार अब भी इस मामले की जांच जारी है। चाक चौपन सुरक्षा के बीच मंगलवार 17 दिसंबर को रात में नागपुर के महापौर संदीप जोशी की गाड़ी पर दो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। इस जानलेवा हमले में महापौर बाल बाल बच गए। मोटरसाइकिल से आए दो अज्ञात हमलावर गोलीबारी कर मौके से फरार हो गए। नागपुर के वर्धा रोड के एम्प्रेस पैलेस हॉल के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि नागपुर में ही महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा था। ऐसे में शहर के मेयर पर हमले की घटना से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नागपुर शहर के मेयर पर इस तरह से हुए जानलेवा हमले की गूंज विधानसभा में भी पहुंची। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपराध शाखा को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इस घटना को एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन अब भी आरोपी फरार है। इस गंभीर मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस की जांच शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़।